आपके अपने YouTube चैनल रंग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपका हिंदी का पेपर 3 अप्रैल को है कक्षा 11वीं का। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 11वीं के लिए आरोह काव्य खंड से सभी अध्याय के क्या है MCQ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ओके, मिक्स रूप में। तो ये क्या है प्रैक्टिस वीडियो और रिवीजन वीडियो भी आप समझ सकते हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे तो आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी। केवल और केवल आपको क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है, आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। ओके, अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, क्रम से मैं पढ़ता जाऊंगा, सॉल्यूशन बताता जाऊंगा, केवल आपको वीडियो से ध्यान से अंत तक देखना है। ऐसे कर करके मैं आपको क्या है क्रम से सभी टॉपिक हिंदी के सभी टॉपिक आपको कवर करा दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम काव्यखंड के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, आगे फिर वितान के हम देखेंगे, गद्यखंड के, वितान के, व्यक्ति माध्यम के। ओके दोस्तों, भाषा बोध आपका क्या है काव्य बोध सब के हम देखने वाले हैं धीरे धीरे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला है कवि ने स्वर के कितने रूप माने हैं। तो कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, तो कवि ने जो ईश्वर के रूप माना है आपको पता है एक रूप माना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे। तो मीराबाई के आराध्य देव कौन थे, श्री कृष्ण। ओके, नेक्स्ट है मीराबाई की भक्ति है, मीराबाई की जो भक्ति है वो कैसी है, तो वो मीराबाई की जो भक्ति है वो है आपकी दाम्पत्य भाव की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता रहता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको क्या है समझने में दिक्कत नहीं होगी। आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका, मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है। तो मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है, तो ये इसका राइट आंसर का आपका प्रेम की। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है, तो इसका सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पति के रूप में। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है। तो लड़की का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका चंपा। ओके, नेक्स्ट है चंपा लड़की है। ओके, तो चंपा किसकी लड़की है, तो साथ में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका गांधी बाबा की। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका, चिरागा किसके लिए तय थे। ओके, तो चिरागा किसके लिए तय थे, तो उसका राइट आंसर है हर एक घर के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट है चिराग किसके महसूस नहीं है, तो चिराग किसके महसूस नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाए आपका शहर को। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका, दसवां चंद्र मल्लिकार्जुन का अर्थ है। तो चंद्र मल्लिकार्जुन का अर्थ है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आ नंबर का। ओके, और आपको मैं बता दूं, आपको क्या है पूरी तैयारी अपनी क्या है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन से अच्छे से तैयारी करना है। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं जब से पढ़ा रहा हूं 2-3 साल से बता रहा हूं स्टूडेंट को, तो क्या है पूरा क्वेश्चन बैंक से पूरा पेपर आ रहा है। ओके, पूरा A to Z ऐसी किसी से पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपको पेपर में धरे मिलने वाले हैं। ओके, इसलिए आप अच्छे से इसी तैयार कर लेना, और इसलिए मैं लगातार पूरा प्रैक्टिस आपको कराऊंगा एक क्वेश्चन की। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। बेहतरीन वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो जाएगी, इसलिए क्या चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, और कौन से सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं, अक्कल महादेवी किस भाषा की कवयित्री है। तो किस भाषा की कवयित्री है, तो इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन हो जाएगा वन नंबर कन्नड़ की। ओके, नेक्स्ट है सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है। तो सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है निम्न में से सबसे खतरनाक है, तो सबसे खतरनाक निम्न में से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आ नंबर का पुलिस की मार। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मुट्ठी कविता में किसे बचाने की बात की गई है। तो किसे बचाने की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बस्तियों को। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कवित्रियों बच्चों के लिए बचाना चाहती हैं, तो क्या बचाना चाहती हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आंगन। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संथाली आदिवासियों का हथियार नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर होगा कुल्हाड़ी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कवित्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती हैं, तो क्या बचाना चाहती हैं, उपयुक्त सभी का विश्वास उम्मीद सपने सभी बचाना चाहती है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। ओके, तो स्वर्ण युग कौन सा युग कहलाता है, तो इसका कहलाता है आपका भक्ति काल। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है। तो कितने कालों में बांटा गया है, तो 4 कालों में। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका, 20वां प्रयोगवाद का समय है। तो प्रयोगवाद का जो समय है वो कितना है, वो आपका दा नंबर का हो जाएगा 1943 से 1950। ओके, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। 21वां है दोस्तों आपका, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो आपको भी पता है राम भक्ति की बात हो तो तुलसीदास। ओके, श्रृंगार काल किस काल को कहा गया है, तो किस काल को कहा गया है आपका रीति काल को। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं, ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ओके, चलिए आगे देख सकते लेते हैं। तो आगे है दोस्तों आपका, रिक्तस्थानों का आपको पूर्ति करना है। तो पहला है दोस्तों आपका, वाणी का डिटेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका। तो वाणी का डिटेक्टर कैसे कहा गया है, तो वाणी का डिटेक्टर कहा है आपका कबीर को। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका, कबीर भक्ति काल की डेड काव्य धारा के कवि हैं। तो कौन सी काव्य धारा के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो आपका निगुड़ के। ओके, आगे दोस्तों देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका, नेक्स्ट
मीरा की भाषा डेड डेड डे से, तो मीरा की जो की भाषा है वो कौन सी है, वो हो जाएगी आपकी राजस्थानी, क्योंकि मीरा राजस्थानी थी तो राजस्थानी हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मीरा ने प्रेम बेली में डेड डेड डे सींचा है, तो क्या सींचा है, आंसुओं का जल सींचा है। ओके, फिर कभी ने पिता को डेड डेड डे व्याप्त नहीं हुआ, ओके, तो क्या नहीं हुआ है उन्हें, कह रही बुढ़ापा व्याप्त नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट घर की याद कविता मैं ऋतु की बात की है, तो आपको भी पता है पढ़ा होगा, तो किसकी ऋतु की है, वर्षा ऋतु की बात की गई है। ओके, फिर चलिए आगे देख लेते हैं, आगे है चंपा डेड डेड डेस नहीं चीनती, तो चंपा क्या नहीं चीनती, तो चंपा पुस्तकें नहीं चीनती। ओके, तो इस नेक्स्ट देख लेते, चंपा करती है, तो क्या चंपा क्या करती है, तो आठवें का दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चरवाही का काम। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कभी डेड डेड डेस से पेट ढकने की बात करता है, तो कभी किससे पेट ढकने की बात करता है, हाथों से। ओके, फिर नेक्स्ट है दुष्यंत कुमार के अनुसार डेड डेड डेस में धूप लगती है, तो किस में धूप लगती है, दरख्तों के साये में धूप लगती है, आपने कविता पढ़ी ही होगी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हे भूख मत मचल। ओके, तो मचल हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इसमें है आपका अक का अर्थ है, तो अक का अर्थ है बहन। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मरसिया का अर्थ है, तो मरसिया का अर्थ होता है वो होता है आपका शोक गीत। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका, तड़प का ना क्या है आपका, तड़प का ना डेड डेड डेस होना होता है, तो ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, खतरनाक। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका खतरनाक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कावित्री नाचने के लिए डेड डेड डेस बचाना चाहती है, तो क्या बचाना चाहती है कावित्री, आंगन बचाना चाहती है। नेक्स्ट है, बस्तियों को डेड डेड डेस से बचाने की बात की गई है, तो किससे बचाने की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर है शहर की आवो हवा से। ओके, नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद डेड डेड कवि है, तो कौन सी है, छायावादी कवि है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों है आपका, निगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, तो निगुण काव्य धारा के अगर प्रमुख कवि हैं तो बात की जाए तो कबीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, रीति काल का प्रमुख रस है, तो रीति काल में होता है आपका सिंगार रस। ओके, नेक्स्ट है आपका, संबत 1950 के बाद की कविता को डेड डेड डेस कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका नई कविता। ओके, नेक्स्ट है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, तो कितने स्तंभ है, चार। ओके, तो चार इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने रेगिस्तान की पूर्ति हो जाती है, अब देख लेते हैं सही जोड़ियों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो सही जोड़ी में देख लेते हैं अपन, पहला वाली सही जोड़ी करते हैं, हम तो एक एक करी जाना, तो ये वाली आपने जो लाइन है वो क्या है, कबीर की है, तो ये कबीर हो जाएगा पहले में। दूसरा मेरे तो गुरधर गोपाल, ये आपका मीराबाई का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका परिताप, तो परिताप से है वो आपका हो जाएगा किससे, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ओके, नेक्स्ट है आपका सोने पर सुहागा, तो सोने पर सुहागा मतलब क्या हो जाता है आपका, अत्यधिक खुशी। ओके, नेक्स्ट है आपका मुतमई, ओके, ये आपका हो जाएगा आपका अस्व हो जाएगा। ओके, ओके, तो ये हो जाएगा लास्ट में आपका पांचवा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपका दूसरे वाला नंबर में, ओके, दूसरी सही जोड़ियाँ, तो क्या है आपका, चंपा काले अच्छा नहीं चीनती, तो इसमें हो जाएगा आपका त्रिलोचन की ये रचना है, तो पहला ये हो जाएगा, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर में जलेगा, तो ये कहा है दुष्यंत कुमार की रचना में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, हे भूख मत मचल, ये आपका किसकी रचना में हो जाएगा, अक्का महादेवी की में। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका सबसे खतरनाक, तो सबसे खतरनाक वाली जो रचना है वो आपकी हो जाएगी किसमें, ये हो जाएगी पास से। ओके, तो ये चौथा हो जाएगा, आओ मिलकर बचाएं, तो ये हो जाएगा आपका निर्मला पुनीत हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट वाला आपका ये पांचवा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे है दोस्तों आपका तीसरे वाली सही जोड़िए देख लेते हैं, निर्भय भया कहूँ छहू नहीं भयाए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ये किसने लिखा है, तो ये आपका कबीर ने लिखा है। नेक्स्ट, कविता का गांधी किसे कहा है, तो कविता का गांधी भवानी प्रसाद द्विवेदी जी को, भवानी प्रसाद मिश्र को कहा गया। ओके, नेक्स्ट है आपका, प्राण मन घिर रहा है। ओके, तो प्राण मन घिर रहा है ये किसका है, तो घर की याद में ही कहा गया है, लाइन आई है। ओके, कल काते पर नजर गिरे, तो ये हो जाएगा आपका चंपा काली लक्षण नहीं चीनती। ओके, तो ये हो जाएगा आपका चौथा, और पांचवा है, हे मेरे जूही के फूल, ये हो जाएगा आपका अक्का महादेवी में। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कम्प्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों सही जोड़िया देख लेते हो, तो है मीरा के प्रभु, तो मीरा के जो प्रभु है वो आपको पता है गिरधर नागर है, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, रत्नाकर से ने निर्मित कर दी, तो रत्नाकर ने क्या निर्मित कर दी, तो उसका स्वर्ण सड़क। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कुल की कहानी, तो कुल की कहानी हो जाएगा परिवार की मर्यादा, मतलब कुल की कहानी मतलब होता है क्या, परिवार की मर्यादा। नेक्स्ट, धनुष तीर और कुल्हाड़ी, तो ये हो जाएगा आपका आदिवासियों की दिलचस्पी प्रतीक है ये आपका। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट अपनी सही जोड़ी इसमें आगे है। ओके, हिंदी कविता का जागरण काल, तो जागरण काल है वो आपका है जयशंकर प्रसाद में। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के आपको पता है सूरदास जी हैं। नेक्स्ट है द्विवेदी युग के प्रवर्तक, द्विवेदी के युग के प्रवर्तक आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, आदिकाल का अन्य नाम है, तो आदिकाल का जो अन्य नाम है वो हो जाएगा आपका वीर गाथा काल। ओके, नेक्स्ट है आपका तार सप्तक, तो तार सप्तक तक हो जाएगा आपका प्रयोगवाद में। ओके, ये हो जाएगा। अब चलिए अपन देख लेते हैं एक वाक्यांश। ओके, एक वाक्यांश देख लेते, तो पहला है दोस्तों आपका, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो आपको क्या हो जाएगा, मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो जगत देखकर क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको, हो जाएगा माया को। ओके, माया को देखकर। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कभी पांचवा या अभागा किसे कहते हैं, तो स्वयं को कहते हैं। ओके, कभी किसमें व्यस्त है, तो कभी किसमें व्यस्त है, कविता में व्यस्त है। ओके, नेक्स्ट चंपा क्या छुपा देती है, तो चंपा क्या छुपा देती है, कलम व कागज। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, चंपा कभी से क्या कहती है, तो चंपा कभी से क्या कहती है, कोलकाता पर बज्जगिरी। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका सातवां, कभी दुष्यंत कुमार किस बात की बेकरार हैं, तो किसके बात के बेकरार हैं, आवाज में, असर में। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, चिरागा का किस प्राप्त का प्रतीक है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, सुख सुविधाओं का चिराग। ओके, चिराग किसका है, सुख सुविधाओं का प्रतीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अक्का महादेवी किससे अपने पास पास ढीलने के लिए कहती हैं, तो किससे कहती हैं, तो इसका राइट आंसर शिव को। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती हैं, तो क्या कहकर संबोधित करती हैं, चन्न मल्लिकार्जुन। ओके, नेक्स्ट है सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है, तो कौन सा गीत होता है, इसका राइट आंसर आपका, प्रतिकार के भाव को समाप्त करता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है, तो कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है, जिस पर चलकर मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्या है, कवित्री पूरी बस्ती को किस में डूबने से बचाना चाहती है, तो यह है आवो की हवा से। ओके, नेक्स्ट है, कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती हैं, क्या, थोड़ा सा विश्वास, उम्मीद व सपने। ओके, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। चलिए अपने सत्ता सत्तर कर लेते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं, पहला है आपका सत्ता सत्त में, सदुक्कड़ भाषा का प्रयोग कबीर ने किया है, तो बिल्कुल सत्य है ये आपका। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कबीर ने ईश्वर को एक ही माना है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, कवि भवानी प्रसाद मिश्र 200 दंड लगाते थे, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ओके, चंपा का पिता मिस्त्री है, तो ये पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा आपका असत्य हो जाएगा। फिर क्या है, चंपा चंचल और नटखट है, छठवा क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों सातवा, दुष्यंत कुमार अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जीना चाहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आठवां, आज हर घर और शहर के लिए चिराग मश्यम है, तो आठवां क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्का महादेवी शव परंपरा की कावित्री है, तो नौवां क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दसवां, अक्का महादेवी स्वयं का घर पूरी तरह भूल जाना चाहती हैं, दसवां क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ग्यारहवां है दोस्तों आपका, पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। बारहवां है, बैठे बिठाए पकड़े जाना सबसे खतरनाक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, निर्मा पुलित का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ, तो तेरहवा क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। चौदहवा है, इस दौर में हमारे पास बचाने को कुछ नहीं बचा। ओके, तो इस चौदहवें का क्या हो जाएगा, आपका ये सत्य हो जाएगा। पंद्रवा है दोस्तों, छायावादी कवियों के एक प्रति का मानवीकरण किया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रतिवाद है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, तार सप्तक में 70 कवि सम्मिलित हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने सत्ता सत्य हो जाते हैं। और इस प्रकार से मैंने आपको क्या है, इस वीडियो में क्या है, संपूर्ण क्या है, आपको काव्यखंड के MCQ क्वेश्चन आपको करा दिए वस्तुनिष्ठ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा और आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हुई होगी। इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही नौका साड़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम इंस्टाग्राम सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है पूर्ण रूप से आपकी क्या है वार्षिक परीक्षा में पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।